गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो इची जा चुका है स्कूल और मैं नहा चुकी हूँ। मेरा नाश्ता बन गया, मैं नहा भी ली और मैंने ऋषि को नाश्ता भी दे दिया। और पूजा झाड़ू दे रही है, तो पूजा के साथ आज एक घटना घट गया। तो यहाँ पर पूजा का एक चप्पल चोरी हो गया। एक चप्पल जो चोर है वो एक चप्पल लेके गया है। पूजा परेशान, एक चप्पल पूजा के यहाँ पर है और एक चप्पल पूजा के ले गया। कुत्ता ले गया, कुत्ता एक चप्पल चुरा के कोई क्या करेगा। पूजा का चप्पल पसंद आ गया, पूजा का चप्पल बहुत पसंद आ गया। पूजा बेचारी चप्पल ढूंढ रही है अपना। ढूंढिए आपका चप्पल। यहाँ पर ऋषि मस्त नाश्ता कर रहा है। कुरकुरे भी चाहिए, कुरकुरे भी, मैंने जो ऋषि इची ले जाएगा वो ऋषि को भी चाहिए। अब बाहर चप्पल नहीं खोलना। देखो पूजा आंटी एक चप्पल ले गया। हैवी मेरा चप्पल नहीं है। अच्छा हैवी पहचान, हैवी लेके थोड़ी ना गया होगा, हैवी का आदत नहीं है, दूसरा ही लेके गया होगा। तो सभी का नाश्ता निकाल दिए हैं और यहाँ पर चाय भी रेडी हो चुका है। तो चलते चाय पहले छान लेते हैं, सब कुछ रेडी किया हुआ है। तो नाश्ता वगैरह करके हम बैठे कब का हो गया। तो फिलहाल सूरज सब्जी लेके आया है और दो बिस्किट भी लाया है क्योंकि ऋषि लेके जाएगा स्कूल। तो देखे क्या क्या सब्जी में आया है। अरे यार भिंडी खाका कहते मेरा दिमाग खराब हो गया। बंद गोभी, भिंडी और परवल। देखते हैं, सब्जी तो मेरा कुछ भी पसंद का नहीं है, पर देखते हैं क्या बनाते हैं। तो ऋषि का हो गया स्कूल जाने का टाइम और हम इधर चावल भी चढ़ा चुके हैं। तो ऋषि को आज देना है स्कूल में पेमेंट, पर ये नहीं जा पाए तो हम ऋषि को ही पैसा दे रहे कि आप ही पेमेंट दे देना। उसका री एडमिशन और स्कूल का फी दोनों देना है। तो फिलहाल देखते हैं ऋषि क्या करता है। ओहो ये थोड़ा थोड़ा सुधर गया है, अपना ड्रेस अपने आयरन कर रहा है, पहले हम कर देते थे पर अब क्यों करेंगे। इतना बड़ा घोड़ा हो गया, हम क्यों करेंगे, बल्कि ये मेरा कर देगा। ऋषि बेटा आज कितना देना है स्कूल में री एडमिशन और आपका फी? 13,450। तो लीजिए यहाँ पर 13,500। पकड़े पकड़े पकड़े, इसमें से मेरा कितना कमीशन है? पकड़ो इसे, पहले पकड़ो, इसमें आपका 50 बचेगा, ठीक है। और ये रहा 500, तो 50 रुपीज बचेगी ना। तो हम ऋषि को पैसा दे दिए और अच्छा से ले जाना बेटा बैग में, ठीक है। तुम मार्केट भी जाओगे ना अभी? हाँ। मार्केट पर तो बैग एकदम संभाल कर रखना, ठीक है। प्राइवेट स्कूल का फी इतना ज्यादा होता है कि देने में ही कमर टूट जाता है। पर पहले टूट गया, इतना इतना फी देते हैं देख लो। तुम बुढ़ापा में हमको एक दिन भी, अगर एक दिन भी सेवा कर दिया ना तो हमको लगेगा हम जन्म देकर तुम लोग को पूरा गर्व महसूस करेंगे। आज हम हर महीना तुमको इतना इतना हम पैसा देते, तुमको समझ में आता है? इची का कल हम 11,500 भर के आए, आज आपको दे रहे हम 13,500। आपको समझ में आता है कितना पैसा? बुढ़ापा में अगर तुम एक दिन भी मेरा सेवा कर दिया ना तो बेटा तेरा ऋण चुक जाएगा, पता है। तो ऋषि चला स्कूल स्कूटी लेके। अच्छा चलाना बेटा, इस बार हेलमेट ले लो बाबू। बाय बाय। एक चप्पल पूजा वहां रख दी थी क्योंकि एक चप्पल तो डॉगी उसका ले गया था, तो एक चप्पल वहीं पर रख दी। और फिर अब कैसे जाती है वो खाली पैर, अभी 4 घर और काम करती वो, तो उसको हमने अपना चप्पल दे दिया, वो चली गई पहन के, कल वो लेते आएगी। तो सब चले गए स्कूल और मैं घर पे अकेली हूँ और खाना भी इधर बन रहा है, तो मुझे आम खाने का मन कर रहा है। ये रहा आम, इसे फिर अच्छी तरह से वॉश करते हैं, अब इसे कट करते हैं। तो मैंने आम कट कर लिया, अब चलते हैं इसे खाने के लिए। फिर कहाँ गए? स्कूल से आया उसी गाड़ी से, फिर उसी गाड़ी को बाय करने के लिए भाग गया। ए भगवान। तो खाना वगैरह खा के हम तो लेट गए और ये गए हैं थोड़ा हॉस्पिटल हेल्थ वर्ल्ड, क्योंकि मेरा थोड़ा अपना प्रॉब्लम है जो मुझे गायनोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो उसका उनका पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो अभी गए अपॉइंटमेंट लेने, फिर नंबर कब का मिलेगा उसके बाद जाएंगे। तो अभी हॉस्पिटल में ही है, तो इनको पता चला कि डॉक्टर 4 बजे तक ही बैठेंगे और बज गए 3:30। तो ये बोले तुम जल्दी से रेडी हो, हम आ रहे हैं तुमको लेने के लिए, तुम जल्दी से रेडी हो रहे हैं। तो मेरा दिखाना हो गया कंप्लीट और ये ले रहे हैं अब मेडिसिन। 3:30 बजे आए थे और 6:30 बज गए, अभी तक हॉस्पिटल में ही है। तो हॉस्पिटल से आ चुके घर और आते साथ पहले मैंने नहाया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर साहब एक्सरे लिख दिए थे, तो वो ड्रेस पहन के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैं बोली नहाऊंगी पहले घर जाके, तो हम आके नहा लिए, फ्रेश हो लिए, चाय पी लिए। तो डॉक्टर के पास जाने का मतलब है
5000 का चूल्हा लगना है, तो पूरा पूरी 5000 ही लगा है। सुबह ऋषि को दिए फी, अभी 5000 रुपया फिर लग गया। इनका मुंह बड़ा सूख जाता है, किसी का भी सूख जाएगा। तो अभी तो दिखाने गए थे डॉक्टर सौरभ सिंह को, तो ये देखे, ये बहुत सारा मुझे एक्सरे वगैरह लिख दिए, तो एक्सरे हम करवा लिए, और बहुत सारा टेस्ट भी था, 3 तरह का ब्लड टेस्ट भी था, तो भी हमने करवा लिया। और इतने सारे मेडिसिन है, सब हम चालू कर देंगे, क्योंकि उसे सब लेके चला है। उसके बाद इनको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि मुझे इनको भी रेफर कर दिए, डॉक्टर विश्वजीत बानिक इनको, तो फिर मैंने इनको भी दिखाया। तो इन्होंने भी जो रिपोर्ट किया, तो दोनों रिपोर्ट मेरा ओके है, एक्सरे में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। तो सारा कुछ मैंने दिखा दिया कि मैं गायनोलॉजिस्ट के पास गई और उन्होंने मुझे अदर्स डॉक्टर के पास रेफर कर दिया। जैसे लगता है कि शरीर एक मशीन है, एक उस स्क्रू टाइट करने जाओ तो पता चलता 2-4 और ढीला हो गया है, तो सारे करवाने पड़ते हैं। वाकई में शरीर जो है एक यंत्र ही है और कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं, सुबह भी ऋषि को इतना पैसा देना पड़ा, अभी भी इतना देना पड़ा, कल इसी का दिए थे। बहुत परेशान हो जाते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हर 2-2, 3-3 दिन में इतना पैसा निकालना बहुत खराब लगता है, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ इस ब्लॉग को वहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।